पे बैठे थे हम, घर वालों की हर रोज डांट खाती थी। वो कहती थी कि किताबें खोलो, सबक पढ़ो, हमें किताबों में दिल नहीं रख रहा था। हमने कहा मार्च में एग्जाम है तो हम घर पे ही टाइम पास करेंगे। तो हमने हमारे गांव में कुछ ये सर्चिंग वगैरह हो रही थी, तो वहाँ आर्मी भाई आए हमारे यहाँ, कहने लगा कि बेटे आप क्या कर रहे हो घर पे। हमने कहा सर हम बेकार हैं, कुछ भी नहीं। कहा अगर हम आपको कहीं सिलाई सेंटर दें वगैरह, आप वो कर लोगी, आप सीख लोगी वहाँ पे। हमने कहा सर ये तो आपकी बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी कि हम भी अपने लिए कुछ कर सकें। तो आज आप तरंगा बना रहे तो क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी आज हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमने भी अपने हाथों से तिरंगा बनाया। आज तक हमने अपनी आंखों से तिरंगा देखा था, कभी खुद अपने हाथों से महसूस नहीं किया था तिरंगा को। सर हमें बहुत खुशी हो रही है तिरंगा। तो आप ये तिरंगा बना के क्या करते हैं? सर हम आप तिरंगा बना के 300 तिरंगा हमने अपने हाथों से बनाकर यहाँ के सभी लोगों में बांटे। सर हमें बहुत खुशी महसूस हुई जी, सभी जनवरी के लिए हमने सभी लोगों के लिए यहाँ बांटे तिरंगा बांटे। आने वाले वक्त में क्या आप तिरंगा और बनाएंगे या फिलहाल बंद करेंगे? वैसे तो कुछ नहीं कह सकते सर, वैसे हमें तिरंगा बना के बहुत खुशी होती है। हम तो कोशिश करेंगे कि जितना भी तिरंगा हो सके हम बना सके, हम अपने हाथों से तिरंगा बना पाए। हमें बहुत खुशी होती है तिरंगा बना के। हम यहाँ क्यों बनाते, हमें तो बाहर से आता है हिंदुस्तान के बाकी।